बच्चे की तरबियत को माहरीन ने तीन हिस्से में तकसीम किया है तीन सात साल पहले सात साल बच्चे को गोद में उठा के रखो दूसरे सात साल बच्चे को गुलाम बना के रखो और तीसरे सात साल बच्चे को दोस्त बना के रखो पहले सात साल बच्चे को गोद में उठाने का मतलब यह है कि वो तुमसे सीखे और हम तो तीन साल के बच्चे को भी आज अढ़ाई साल के बच्चे को भी स्कूल भेज देते हैं माएँ फ़ारग उलबाल होना चाहती हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये हमारी फ़िक्री लफ्जश है कि बच्चे को इतनी जल्दी स्कूल भेज दिया और जब माँ से सीखना था तो वो वक्त जाया कर दिया आज भी जापान में सात आठ साल का बच्चा स्कूल जाता है और आज भी कुछ और ममालिक के अंदर भी उन्होंने ये तय कर दिया है कि सात साल से पहले बच्चा स्कूल ना जाए तो वो घर बैठ के सीखता है। ये उसकी तरबियत का मरहला है उसका ये मरहला यहाँ मुकम्मल होना चाहिए उसके बाद जब वो जाएगा तो उसके कवा मजबूत हो चुकेंगे और वहां जाके सीखेगा ये पहला उसका मरहला यहाँ सीखने का है है बाप तो वो तोज्जो नहीं दे पाता तो माँ को भरपूर तवज्जो बच्चे की तरफ देनी चाहिए अमूमी तौर पर माजी में माएँ अपने बच्चों की तरबियत में इंतहाई मुबालगा करती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत शाखा करती थी चूँकि उनकी तवज्जोहात का कोई और मरक़ नहीं हुआ करता था और वो समझती थी कि हमारा यही काम है कि हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर लें और चंद बच्चों की तरबियत ही माँ की ज़िम्मेदारी है और ये अगर आसन तरीके से निभा दे तो उसने अपना हिस्सा उम्मत में भी डाल दिया माशरत में भी डाल दिया और कौम बनाने के अंदर भी अपना हिस्सा डाल दिया लेकिन अगर वो अपना ये फरीजा अंजाम नहीं देती इसमें कोताही कर देती है तो उसने फिर कुछ भी ना किया अच्छी नस्ल अच्छी माओ की गोद से परवान चढ़ के ही मुआरे को नसीब होती है और ये बुनियादी है, इकाइयाँ हैं बुनियादी ईटें हैं जिससे मुआरत तरतीब पाती है इसलिए ये माओ की जिम्मेदारी है और दूसरे सात साल जो है वो गुलाम बना के रखो मतलब क्या कि उन पर अहकाम नाफिज करो वो आज खुद फैसले नहीं कर पाते और अच्छे नहीं कर पाएंगे उनके फैसले तुम करो माँ बाप और फिर उसके बाद अगले सात साल जो हैं वो उनको दोस्त बना के रखो क्योंकि अमूमन जो है वो चौदह से इक्कीस साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो दोस्तियों से अतराफ से सीखते हैं चूँकि वो अगरचे तमीज़ नहीं रखते होते पूरी तरह लेकिन फिर भी उनकी तबाह होती है कि वह समझते हैं कि हम अतराफ से अच्छा सीख सकते हैं और वो बाज़ का तो माँ बाप को दकिया अनूस भी समझने लग जाते हैं तो उस वक्त माँ बाप थोड़ी सी हमत के साथ आ, उनकी दोस्तियों पर गौर करें कि उनकी दोस्तियाँ गलत लोगों से ना हों मेरे और आपके ने नेशाद फरमाया अमरो अला दीन ही फल यंजुर अहादम युखाल हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है और आप देखें कि आप किस से दोस्ती कर रहे हैं अगर उसका दीन ख़राब हुआ एतकदात खराब हुए नज़रियात खराब हुए उसके आमाल और अखलाकियात खराब हुए तो उसका रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा और रूमी ने इसको अपने अंदाज़ में कहा ता तवानी दूर शो अज़ यार बद यार बद बद तर बद अज मार बद जहाँ तक मुमकिन हो बुरेार की सोहबत से बच के रहना कहा कि बुरा जो दोस्त होता है बुरा यार होता है वो बुरे सांप से भी बुरा होता है क्यों इसलिए कहा जब सांप लड़ता है तो जान लेता है बुरा याद लड़ता है तो ईमान लेता है इसलिए सोहबते साले तुरा साले को नोहबत ताले तुरा ताले कोनंद अच्छे शख्स की सोहबत तुझे नेक बना देगी बुरे शख्स की सोहबत तुझे बुरा बना देगी शेख सादी फरमाते मैं हमाम में गया तो वहां किसी ने मट्टी रखी थी तो मैंने उसको उठाया तो उससे महक आ रही थी मैं मस्त होने लगा उसकी दिल आवेज खुशबू से तो मैंने उसको कहा कि तू मट्टी है अंबर है मोतिया है नसरीन है नस्तरन है क्या है तू तेरी दिल आवेज महक से में हस्ती महके चले जा रहे हैं और है तू मट्टी तो क्या है तू तो उस मट्टी ने शेख सादी फरमाते मुझे ज़ुबान हाल से जवाब दिया कि हूँ तो मैं मट्टी मुझे अपनी औकात नहीं भूली लेकिन चंद दिन मैं फूल की सोहबत में रही हूं जमाले हम नशी दर मन असर कर वगर ना मन हुमा काकम के हस्तम उसने कहा हूँ तो ज़ात की मट्टी ही लेकिन मैं गुलाब के फूलों तले थोड़ी देर रही हूँ तो मेरे यार का जमाल मेरे अंदर शराय कर गया है तो जात की मट्टी हूँ लेकिन सोहबत मेरी फूल से रही यार मट्टी फूल से सोहबत पैदा कर ले तो उससे महक आने लग जाती है तो यार बंदा साले सोहबतों का इंतखाब कर ले तो उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती तो अपनी औलाद को साले लोगों के पास बिठाना सिखाओ